हेलो एवरीवन, डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आगरा मथुरा का मशहूर आलू भल्ला या आलू टिक्की। ये माइंड ब्लोइंग लगता है खाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। मैंने इसमें सूखा हुआ मटर या मटर दाल जिसको बोलते हैं वो लिया है। उसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये मेरा 1 कटोरी मटर है, ग्राम में 150 ग्राम बॉइल्ड है ये, और 1 किलो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। अभी हम मटर की सब्जी बनाएंगे जो कि आलू टिक्की या भल्ले पर पड़ती है, जिसके साथ आलू टिक्की या भल्ला खाया जाता है। इसको हमें अभी बॉईल करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, और इसको थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे हम 2 पिंच फूड कलर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1 से 1.5 ग्लास पानी, मतलब इतना कि वो जो मटर है वो पूरी उसमें डूब जानी चाहिए, इतना हमें पानी लेना है। तो अभी हम इसको बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरह से, और जो हमने पोटैटो लिए थे उनको हम छील के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मटर हमारी बॉयल हो चुकी है अच्छी तरह से। इसको हम प्रेस करके देखें तो वो दब रही है। इसी तरह से हमको इसे बॉयल करना था। और जो हमने आलू लिए हैं उनको हम अभी मैश करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम अरारोट पाउडर, या आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप इसमें डालें। बहुत सी जगह इसमें आधा अरारोट और आधा मैदा भी ऐड करते हैं। और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हमें अच्छी तरह से मैश करना है। पहले हम मैशर की हेल्प से इसको मैश करेंगे, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें हाथों से मैश करने की, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरह से मैश करना ज़रूरी है। बहुत सी जगह इसमें जो हम आलू को मैश करते हैं उसमें बहुत सी जगह प्याज, धनिया और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करके इसको बनाते हैं, बट ये आगरा और मथुरा के फेमस भल्ले हैं तो हमें इसी तरह इनको बनाना है। बस नमक डाल के और पाउडर अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर डाल के। ये देखिए ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इस तरह से हमें इसका डॉट तैयार करना है। इसी तरह से हमें अपनी टिक्कियों को बना के रेडी कर लेना है, सारी टिक्कियों को। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं मटर वाली। इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच ऑयल ले लिया है, कढ़ाई में गरम कर लिया है, इसी में हम इसको बनाएंगे। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरा। उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, जीरा डाल के हमको अपनी मटर को इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से चलाते हुए हमें इसको बनाना है। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। नमक तो इसमें पहले से ऑलरेडी ऐड हुआ है, हल्दी भी इसमें डला हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सब्जी हमारी लगभग बन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बॉईल किया हुआ पोटैटो, ताकि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए और टेस्ट भी आए। इस तरह हमने इसमें
पोटैटो को ऐड कर लेना है। तो चलिए अब हम अपने आलू टिक्की को भी रेडी कर लेते हैं। छोटे छोटे हमको ये डॉट्स लेके हमें अपनी आलू टिक्की को रेडी कर लेना है। न ज़्यादा इसको पतला करना है न ज़्यादा मोटा, एक समान ही हमको सारा डॉट लेके रेडी करना है। इसी तरह से सारी आलू टिक्की या आलू बल्ले हम तैयार कर लेंगे। आलू बल्ले हमारे रेडी हैं, अब हम इनको सेक लेते हैं। इसके लिए एक तवे पे मैंने तेल ले लिया है, आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की ही टिक्की अच्छी बन के तैयार होती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में, टेस्टी रहती हैं। सरसों के ऑयल में टिक्की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो ठेली वाले होते हैं या स्टॉल वाले होते हैं वो अधिकतर सरसों के तेल का ही यूज़ करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें अच्छी मात्रा में हमें तेल को ले लेना है और अपनी टिक्कियों को इस तरह उस पर छोड़ देना है। और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है और बीच में फ्लेम को कम भी कर देना है, सिम भी कर देना है। और टिक्कियों को हमें केयरफुली सेकना है इस तरह से कि वो अंदर से अच्छी तरह सिक के तैयार हों, जले नहीं। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से भी डाल देंगे। आलू टिक्की खाने में थोड़ा ऑयली ज़्यादा होती हैं, बट इनका जो स्वाद है ना वो सच में माइंड ब्लोइंग है। जब ये सिकती हैं करारी करारी तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इनको हमें इस तरह पलटते हुए ही सेक लेना है दोनों साइड से अच्छी तरह। ये देखिए, इनको दबाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह वो सिक जाएं। जो स्टॉल वाले होते हैं उनके पास तो बड़ा तवा होता है, वो भी लोहे का होता है, उसका तो टेस्ट ही अलग है। उसी तरीके से हमने इसको आपको दिखाया है बना के। तो चलिए, हमारी रेडी हैं आलू टिक्की आलू भल्ला। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ प्याज टमाटर हरा धनिया कट करके रख लिया है और थोड़ा सा हमने लिया है हरी मिर्च और हरी चटनी, इमली की चटनी, दही। तो सबसे पहले हम उनको कट करेंगे। देखिए कितनी एकदम से करारी करारी टिक्की बनके तैयार है। अब हम इस पर जो मटर की सब्जी थी वो डाल देते हैं। हरी चटनी से सजा लेते हैं। थोड़ा सा हम इस पे दही डालेंगे। ये मैंने दही को पहले ही फेंट के रख लिया था। थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, थोड़ा टमाटर, हरा धनिया, इन सब के साथ हम अपनी आलू टिक्की या आलू भल्ले को सर्व करेंगे। थोड़ा सा और हरी चटनी डाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा तीखी बने तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इस पे ऊपर से ये इमली की चटनी हम डाल देते हैं। आप चाहें तो इस पे ऊपर से थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं थोड़ा और ज़्यादा तीखा खाने के लिए। ये हम नींबू ले लिया है, वो निचोड़ देते हैं थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। तो देखिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म
आलू की टिक्की या आलू का भल्ला। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।